आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो के टाइटल से जैसे कि आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो में आपको कुछ दिखाऊंगी अपनी यूनी का टूर। और अभी बस एक मेरी पार्टनर आ रही है, उसके साथ मैंने यूनी टूर करने, वो आज फिर मैं इंशाल्लाह सारी निकल पहली फुर्सत में निकल लाइक जो भी डिटेल्स वगैरह हैं सारी इन्फो की सारा यूनी का टूर वगैरह करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। आज तो धूप इतनी ज़्यादा है और मैं पता नहीं यहाँ किस जगह पे बैठी हूँ और क्यों बैठी हूँ, मुझे खुद नहीं पता। बट खैर चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रुको जरा, सबर करो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो एवरीवन, तो फाइनली वी आर हियर। और ये मेरी पार्टनर नहीं है, उसको मैं लेने यहाँ पे आई हूँ। हेलो कर दे। हेलो। अच्छा तो अभी हम लोग व्लॉग स्टार्ट करने लगे, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। एक्शन। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। यहाँ से जब आप आएंगे ना कामरा रोड से, तो यहाँ से इस तरह हमारी यूनी का है रोड, और ये है हमारी यूनी का ओल्ड गेट पुराने वाले, लेकिन हमने इस सेंटर नहीं होना। हमने नेक्स्ट गेट सेंटर होने, जो कि हमारा न्यू गेट ओपन हुआ। यहाँ पे आपको डिफरेंट आइसक्रीम्स भी मिलेंगी, और ये मोस्टली ऑफ टाइम पे होते हैं, तो इस तरह के मौसम में आइसक्रीम्स और कुल्फी तो मस्ट है। बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, तो ये हमारी यूनी का मेन गेट, और ये यूनी के आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एंटर होते, कार्ड तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे पहले आएंगे तो आपको यहाँ पे कार्ड दिखाना है, कार्ड के बगैर आपकी एंट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप इंटर होंगे ना, तो ये है यूनिक की इनसाइड व्यू। ये है हमारा ओल्ड डिपार्टमेंट, और यहाँ से ये है हमारा न्यू डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हो जाएगी पार्किंग। अच्छा, यहाँ पे यूनिक के मजलूम बॉयज की बाइक हाय, इतनी गर्मी में आके बैठेंगे ना बिल्कुल जल जाएंगे नीचे से। ये एक शेल्टर होना चाहिए था, जिस तरह यहाँ पे शेल्टर है ना, यहाँ पे एक एरिया है इस तरह का, तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अच्छी आती हैं। ये दो जो ट्रीज हैं इनके दरमियान में अगर आप खड़े होकर पिक्चर्स लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आएंगी, और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इसको मेरे एक जूनियर कह रहे थे कि ये ड्रीम प्लेस है, तो आप लोग यहाँ आके पिक्चर्स ले सकते हैं। आगे में आपको हल्का सा टच मिल जाएगा, तो यहाँ पे आगे मैं आपको पिक्चर वगैरह भी मैंशन कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। यूवी के प्रिंसिपल का ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे ये हैं डॉक्टर नूर सईद, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, डॉक्टर उमर फारूक PhD। ओके, सो ये है वेटिंग रूम, अगर आप एडमिशन वगैरह कराने आएंगे तो ये वेटिंग रूम है, ये तो दिखाया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर मेन सबसे जो अस्सलाम वालेकुम जो सबसे मेन रूम है यहाँ पे, वो है एडमिन ऑफिस। बिकॉज जैसे ही आप एडमिशन कराने यहाँ पे आएंगे, आपको सबसे पहले एडमिन ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। एडमिन ऑफिस से सारी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये कमेटी रूम है, ये है एडमिन ऑफिस। तो जब आप इंटर होंगे इस साइड पे, तो ये है कॉरिडोर ओल्ड डिपार्टमेंट का, और यहाँ से इस तरह का कुछ व्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस होती हैं मैथ्स और बीएड वालों की, ये है कॉरिडोर, और यहाँ पे हमारी क्लासेस है, मतलब कि इंग्लिश और एम एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक मिरर है जो कि इस यूनिक मिरर है, यहाँ पे एस्थेटिक स्नैप्स ली जाती हैं। कभी साफ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लेते हैं पिक्चर्स, क्योंकि मजबूरी होती है। तो यहाँ से हम इंडर होते हैं, ये है हमारे ओल्ड डिपार्टमेंट कॉरिडोर, साथ हाउस में बीएड का, इंग्लिश का और मैथ्स का। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट, सॉरी बीएड डिपार्टमेंट की जो HOD है उनका ये रूम है। ओके, यहाँ पे होगी क्लासेस, नो पार्टीज और वीडियोग्राफी अलाउड इनसाइड द कैंपस। ओके, अच्छा BEd 7th की क्लास है, क्लासेस मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गई मेरी क्लास BS English 7th मॉर्निंग, ठीक हो गया। क्लासेस का टूर मैं बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, ये न्यास चचा खड़े हुए, स्वागत तो करो हमारा। यहाँ पे हो गई ओके, ये है लाइब्रेरी यार, ये है लाइब्रेरी हमारी यूनिवर्सिटी की। सॉरी, मैं आप लोग को नहीं ले रही। मैं स्टूडेंट्स को कवर भी नहीं कर सकती, नो प्राइवेसी होती है, तो बस यहाँ से चलते हैं आप। ओके, ये इन्फॉर्मेशन है गुश लाइब्रेरी की, इन्फॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरियन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। अभी हम आपको यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट चीज दिखाने लगे, को जरा सबर करो। ओके, लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं वो क्या है। गाइस, ये देखिए आइंस्टाइन पैलेस में आप लोग एंटर हो गए, और यार ये कैसे कैसे लोग हैं, गरीबों की जन्नत में खुश आमदीन, बहुत कम मैथ्स। कहाँ से आते हैं?
अंदर चले जाए तो मजीद बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। अच्छा अभी हम लोग आपको मॉस्क का विजिट करा रहे हैं, और ये है मॉस्क हमारी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे सिर्फ बॉयज अलाउड हैं, पहली वाली जो मॉस्क थी वहाँ पे गर्ल्स भी अलाउड थी। ये हमारा मेन्यू कार्ड है हमारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन का। नहीं बार बार चेंज हो रहा है इसको। ये रशियन सैलेड भी अवेलेबल है, देखो समय अंकल के बाद पहले नहीं था, अंकल को याद आता नहीं। अच्छा अच्छा मेन्यू है भाई, पैसे बढ़ा दे रहे हैं हर दूसरे दिन 10-20 रुपए बड़े होते हैं आजकल की जो बगैर लाए आ रही उसका पता नहीं चल रहा। अच्छा यहाँ से आपको गर्मी अपनी दूर करने के लिए सारा सामान मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी अवेलेबल है। तो सर एक बार प्लीज बता दे यहाँ पे अच्छा सब्जेक्टेड किस टाइप के? इस्लामिक। हाँ दैट्स ग्रेट। अच्छा अंकल कह रहे हैं कि वो भी छुट्टियों में यूट्यूब चैनल अपना बनाएंगे। अंकल बेस्ट ऑफ लक फॉर चैनल। आमीन। आपको इसकी जो आमदन है वो भी नसीब करे। आमीन। अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाने के आपको। आमीन आमीन आमीन। यहाँ से ना अंकल अक्सर छुप छुप के बच्चों को देखते हैं, जहाँ से वो कपल डेट बच्चे मार रहे होते हैं उनको देख रहे थे। चलो आप बंद करो, ज्यादा पर्सनल हो रहा है। खटक आपको मैं कल लूंगी। हाय कल कल मैं रिव्यूज लूंगी आप लोगों से, ठीक है? तो जरूर आना। उसको इन लोगों ने चिप्स दे दी और मुझे किसी ने पूछा भी नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद। अच्छा यहाँ पे ये सिटिंग एरिया हमारा, ठीक है? ये एक झोंपड़ी है हमारी यूनि की। गाइज आपको यहाँ पे कैफेटेरिया नहीं नजर आएगा, ये एक्चुअली ना हमारी छोटी सी झोंपड़ी है, बट यहाँ पे सब बच्चे सच्चे बैठते हैं। बच्चों को इग्नोर करें, प्राइवेसी के इश्यूज बहुत होते हैं। अच्छा ये हट है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए जगह, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अलाउड है। अच्छा ये भी सिटिंग एरिया है हमारा यूनिवर्सिटी का, वो रही कैंटीन। ये है हमारा हट जो गर्ल्स के लिए है, वो है सिटिंग एरिया, और एक ये सिटिंग एरिया है। तो वहाँ पे भी बॉयज़ होते हैं, यहाँ पे बॉयज़ होते हैं, ठीक हो गया? अच्छा अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है, केमिस्ट्री ब्लॉक है। चिप्स तो थैंक यू सो मच। और वो तो मेरी नल्ली बेरोजगार दोस्ते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैंपस और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे इसका मेन गेट है। तो चलिए अब हम गेट में एंटर होते हैं और आप लोग को इसका इनसाइड व्यू दिखाते हैं। अच्छा यहाँ से जब हम इंटर होंगे तो ये इस तरह से है, ये अच्छा ब्लॉक है वैसे। तो यहाँ पे मोस्टली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? यहाँ से हमें अस्पताल, यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी नहीं, हॉस्पिटल वाले अपने डिपार्टमेंट से आते हैं यहाँ से। तुमने नोटिस किया ये ठंडा भी बहुत है ना, ये डिपार्टमेंट ठंडा भी बहुत है। तो क्लासेस वगैरह भी आपको दिखाते हैं, ऊपर वाली दिखाएंगे क्लास। अच्छा ये हैं यूए की क्लासेस, ठीक हो गया? और मैं आपको एंड पे जाके फिर सारा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे विंडो उन लोगों ने गर्मी से बचने के लिए इधर शीट्स वगैरह लगाई हैं। तो ये है, ऐसी क्लासेस हैं यूए में। अच्छा अभी हम लोग आ गए हैं लैब के अंदर, ठीक है? तो दूसरी लैब तो लॉक्ड थी, ये एक लैब बड़ी मुश्किल से ओपन हुई है। तो पहली दफ़ा आ रही है समन, क्योंकि आप बीएड की स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको कभी इधर आना नहीं हुआ। तो ये हो गई हमारी लैब्स, ठीक हो गया? अशर किया हुआ अपना यार बोल मैं रही हूँ, वो कह रही है इतनी व्लॉगिंग की है कि मैं थक गई। मैंने कहा बोल मैं रही हूँ। अच्छा तो ये हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बैक साइड, और यहाँ पे आप देखिए इतनी शदीद तेज धूप है गाइस, कितना सन्नाटा है, इसीलिए तो हालत चेक करें यार, हालत चेक करें समन, मेरी हालत चेक करो इधर। व्लॉग बना बना के हशर हुआ है, कोई बात नहीं, हार्ड वर्क पेस ऑफ। यस अबे अंग्रेजी नहीं आती मुझे। अच्छा तो यहाँ पे इस तरह कुछ बैक साइड है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है समन, सर्दियों में अक्सर यहाँ पे कौन आते हैं? यहाँ कपल्स आते हैं, कपल्स आते हैं। और ये एक स्पॉट है, रुको इस स्पॉट के बारे में जरूर बताना था, ये एक स्पॉट है, डेटिंग स्पॉट नहीं है, ये पिक्चर्स के लिए एक स्पॉट है, बर्थडे का भी है, बर्थडे का भी स्पॉट है। यहाँ लोग अक्सर डेकोर वगैरह खुद करके। ये देखिए अब समन मंकी इधर बैठ गई है,
कहती मुझे थोड़ा शेल्टर चाहिए था धूप से बचने के लिए और थोड़ा मैं ब्रेक ले लूँ. मैंने कहा लो लो ब्रेक लो, मैं तब तक थोड़ा बहुत कवर करती हूँ जितना हो सकता है ये. अच्छा मैं उस कॉर्नर पे जाती हूँ, तब तक आ जाओ तुम, समझ आई? अच्छा यहाँ से ये है कैंपस की, कैंपस का कॉर्नर, और ये इस जगह पे भी लोग अक्सर बैठ के गप शप करते हैं और इन्जॉय करते हैं. अच्छा तो ये है हमारी यूनी का ग्राउंड, और वो है कॉन्सर्ट्स का हॉस्टल. ये हमारी यूनी का ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे मैच खेलते हैं जो कि अभी भी खेल रहे हैं. वैसे तो स्पोर्ट्स भी ख़त्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी बच्चे खेल रहे हैं अभी. और ये है प्यारा सा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और ये है प्यारी एमी.